जय भीम सर, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आज 4 सितंबर 2022 को भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन BS4 राष्ट्रव्यापी महा जनजागरण अभियान आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपके द्वारा की गई। कम से कम 100-150 के लोग आए भी हैं और कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छा चला। दिल्ली से भी आए और बिहार से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए और भी कई राज्यों से आए। तो उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग आए थे या जो नहीं आए हैं, हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। आपका नाम क्या है सर? मैं परिमल विश्वास हूँ, बामसेप वेस्ट बंगाल, अध्यक्ष में बिलोंग करता हूँ। तो आपको धन्यवाद देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा बामसेप के ओर से वेस्ट बंगाल का जो काम अभी अभी चल रहा है, बहुत तेज गति से ही चल रहा है। इस सिलसिला में हम लोग राष्ट्रीय हमारा जो पूर्वाध्यक्ष माननीय सुरेंद्र सिंह धमी जी को बुलवाया है इस सभा में। ये 7वां कन्वेंशन था वेस्ट बंगाल का, और माननीय भूपेंद्र सिंह उन्होंने भी आया थे, अभी भी है। तो उन लोगों बहुत चर्चा किया है ये संविधान संवर्धन और घर घर संविधान का जो BS4 का नारा है, इसे लेकर और भी सारे बातें उन लोगों ने रखी है। काहे के कास्ट बेस्ड सेंसस सारी देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है। तो और भी सारे बहुत बुजुर्गों आए थे, उनमें से एक महिला, दो महिला भी थे जो मौसमी मंडल जी है, वेस्ट बंगाल के बामसेप की ओर से है, और दोनों वो आशा सिंह जी है, जिनकी जितना भी तारीफ किया जाए कम नहीं होता है। कह के उनका वक्तव्य ये बंगाल का जो सारी बामसेप और हमारा MKKM और सारी भी विंग्स हमारा जितने भी है, उतने भी विंग्स का लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, आभारित हुई है। उनको संपन्न करने में हम लोगों का थोड़ा कोशिश किया है, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जिले जिले में यूनिट गठन करने के लिए हमारा आदमी ढूंढेंगे। अभी भी कुछ जिले में है, चल रहा है, और 9-10 जिले में चल रहा है। उसका जानकारी अगर आप इस चैनल में किया जाए तो उन लोग अभी तो नहीं है, थोड़ा बाद में हम लोग को ये बुला जाएगा। हमारे चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।